चेक चलेगा। सो गुड मॉर्निंग गाइस, मर्सिडीज बेंज इंडिया ने भेजा एक न्यू ईयर गिफ्ट, एकदम ऑसम। आई थिंक दिस द बेस्ट गिफ्ट एवर आई हैव रिसीव्ड इन माय लाइफ। ये देखिए, आप देख रहे हैं, तो मर्सिडीज बेंज इंडिया ने भेजा है ब्रांड न्यू GLS 450 एज अ हैप्पी न्यू ईयर गिफ्ट टू मी। आई एम सो एक्साइटेड, आई एम सो हैप्पी। थैंक यू मर्सिडीज बेंज इंडिया। बट देखिए जो डेकोरेशन करके उन्होंने भेजा है, ये देखिए, ये है गिफ्ट भाई। ये नीचे जो है वो गाड़ी रिव्यू के लिए आई है, एक्चुअल गिफ्ट ये है। एंड द मैसेज सेज, हेलो, विशिंग यू एंड योर फैमिली हैप्पी न्यू ईयर। वी ग्लैड यू ड्राइविंग इनटू द न्यू ईयर विद अ स्टार। दिस इज अ स्मॉल जेस्चर गिफ्ट फ्रॉम अस। थैंक यू फॉर योर लव एडोरेशन फॉर 3 pointed स्टार। तो अभी तक गिफ्ट ये है, बट आप सबके प्यार से हो सकता है कि जल्दी ये गिफ्ट भी मैं अपने आप को दे पाऊँ। तो जो मैंने बोला था आपके लिए कल बहुत बड़ा सरप्राइज़ है, वो गाड़ी है जो शायद आपने नहीं देखी होगी। वो इसलिए नहीं देखी होगी क्योंकि अभी ये लॉन्च ही नहीं हुई है। दिस इज़ द न्यू GLS दैट वी आर ड्राइविंग, और आपको इसका रिव्यू कल ही मिल जाएगा क्योंकि कल ही इसका एम्बार्गो ख़त्म हो रहा है। एंड जो इसका लॉन्च है वो ईद को है, मतलब मंडे को इसका लॉन्च है। तो मंडे को हम लॉन्च में भी लाइव होंगे एट द मर्सिडीज बेंज इवेंट। बट अभी के लिए गाड़ी का इतना ही ज्ञान मिलेगा आपको, ये ब्लॉग है तो इसमें इतना ही ज्ञान मिलेगा। और अभी वैसे भी एम्बार्गो है तो देख लो, अभी अच्छे से बाहर से भी दिखा देंगे गाड़ी। सो व्हाट आर द ऑड्स, आप जो गाड़ी चला रहे हैं जो लॉन्च होने वाली है वो सामने चल रही है, उसका प्री फेसलिफ्ट, तो इजीली आप देख सकते हैं। अभी मैं कोशिश करूंगा आपको उसका इंटीरियर भी दिखाऊंगा कितना फ़र्क आ गया है इंटीरियर में। बट रियली इतनी आसानी से GLS नई और पुरानी साथ में दिखाना मैंने नहीं सोचा था हो जाएगा, बिकॉज ये अभी लॉन्च नहीं है जो हम चला रहे हैं। यू हैव टू वेट फॉर आवर फर्स्ट ड्राइव रिव्यू कि कैसी है ये गाड़ी। बट तो ग्रिल जो है फ्रंट बहुत डिफरेंट हो गया, आपको दिख ही रहा है इसके अंदर, और अभी आपको दूसरी वाली भी दिख जाएगी जो हम चला रहे हैं। बट आई एम हैप्पी कि साथ के साथ आपको दोनों गाड़ियां दिख गई हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि व्हाट इज डिफरेंट इन द ओल्डर वन एंड द न्यू वन। थोड़ा प्रिकॉशन के साथ ही चलाते हैं, GLS तो आगे आ ही नहीं रहा है। आज लगता है कि सारी गाड़ियाँ डबल दिखेंगी या मुझे दिख रही हैं। ये सफारी देख लीजिए, एक तो चल रही है जेट एडिशन, आगे चल रही है डार्क एडिशन। ये जेट एडिशन कितने लोगों ने देखी हुई है, डार्क एडिशन तो खैर दिखती रहती है सड़कों पर, बट ये जेट एडिशन थोड़ी डिफरेंट थी। ये है डार्क एडिशन। क्या आप भी वेट करेंगे नई वाली सफारी आए जल्दी से, फेसलिफ्ट आए जैसे कि हैरियर का है? और कल टाटा ने कितनी सारी नई गाड़ियाँ दिखा दी हैं, एंड स्पेशली पंच ईवी जो बहुत ही अगली लग रही है, नो डाउट अबाउट इट। आई डोंट थिंक सो कि वो कुछ मैच कर रही है जो पंच पेट्रोल लगती है, बिकॉज ऑब्वियसली न्यू प्लेटफॉर्म है, थोड़ी डिफरेंट है, बट देखने में तो बहुत ही अजीब है। इट्स लाइक वन ऑफ द मोस्ट अगली इलेक्ट्रिक कार्स आई हैव सीन। बाकी अदर इलेक्ट्रिक कार्स बाय टाटा वर रियली नाइस, बट पंच ईवी सॉरी नॉट अ गुड जॉब टाटा। वो शूट करते हुए हो गया है काफ़ी टाइम, काफ़ी कुछ शूट करना था बिकॉज दिस कार है स्टिल नॉट लॉन्च, तो थोड़ा तो टाइम कंस्ट्रेंट होता है बिकॉज एवरीबडी हैज़ टू डू इट। एंड उसके हिसाब से कुछ ही घंटे मिलते हैं जब बिफोर लॉन्च गाड़ी होती है, तो उसमें तुमने रील भी बनानी है, ब्लॉग भी शूट करना है, एंड साथ में ऑफकोर्स ड्राइव या फर्स्ट लुक का वीडियो भी बनाना है। तो एक काइंड ऑफ कह सकते हैं कि वो है कि शूट करने के बाद अगर आस पास ड्राइव थ्रू मैकडॉनल्ड्स है या रास्ते में मैकडॉनल्ड्स है तो वहाँ जाना तो बनता है, और वही हो रहा है इस बार भी, पहुँच गए हम मैकडॉनल्ड्स। तो कुछ ऐसे लोग भी मिलते हैं जो ड्राइव थ्रू ब्लॉक करके बैठे रहते हैं, नो नेम एंड शेम, नंबर नहीं दिखा रहा हूँ आपको, बट इसको कम से कम 10 minutes से बोल रहे हैं भाई गाड़ी हटा ले, गाड़ी हटा ले, हमें भी मैकडॉनल्ड्स जाना है। तो फाइनली उन्होंने गाड़ी हटाई है। थोड़ा सा आपको ना चाहते हुए इंटीरियर का स्नीक पिक दे ही देता हूँ कैसा लग रहा है। मुझे ये बहुत सही लगा कि यहाँ पे जो अगर आप अटेंशन टू डिटेल बोलें तो एनिमेशन में भी टिपर ब्रेक सब दिख रही है, बहुत ही सही चीज़ है ये। एंड बाकी तो ऑफ रोड मीटर मेरे फेवरेट हैं ही। इसको पकड़ो अब। तो फाइनली एंट्री कर ली है ड्राइव थ्रू में, इतना आसान नहीं था। मेरे को इस ड्राइव थ्रू में पता क्या अच्छा लगता है, आप अपनी गाड़ी को आराम से देख सकते हैं, बहुत ही सही लगता है। पूरे में ना ग्लास लगा हुआ, तो पूरे में साइड इमेज फ्रंट इमेज गाड़ी पूरी दिखती है रोल होते हुए। अभी और आएगी, अभी और आएगी, अभी और आएगी, आपको अच्छे से दिखाएंगे ऑर्डर देने के बाद।
यार ये मेरे फेवरेट है, अभी आएगा एक्स्ट्रा क्रिस्प 4D HK व्यू, HD 4K व्यू। ये बहुत गाड़ियों में ऐसे साइड से लिया, बट ये है कि पहले ब्लॉग नहीं, अंकल जी पीछे हाय कर रहे थे गैलरी में। ये अब ब्लॉग ही ब्लॉग। कितना बताया था मैम आपने? चेक चलेगा? चेकबुक लाया नहीं लेकिन मैं आपने हाँ बोल दिया, आप चेक ही दूंगा मैं। ये टैप कर लो। मैकडॉनल्ड्स की ऐप चलाने की कोशिश चल रही है, हुआ नहीं कुछ। थैंक यू। ये जो आ गई दूधिया बोलते हैं, दूध वाला बोलते हैं, उसके पोल्यूशन देख लो जरा। सिर्फ चलान कटेंगे गाड़ी वालों के, बाइक वाले जो मर्जी करें, ये लोडिंग करना अलाउड है इतना जो ये करके चल रहा है। इसका नंबर भी इसने नंबर प्लेट पे उड़ाया हुआ है। यू नो कुछ लोग बोलते हैं कि क्या फ़ायदा 2 करोड़ की गाड़ी में घूमने का, 2.5 करोड़ की गाड़ी में घूमने का, क्योंकि आपको हमेशा यही सिचुएशन मिलेगी, ट्रैफिक ही मिलेगा, तो क्या फ़ायदा क्या है इतनी महंगी गाड़ी लेने का। मैं बता देता हूँ आपको, एज अ मर्सिडीज बेंज ओनर मैं ये बता सकता हूँ कि जब आप इतनी महंगी लग्जरी इस गाड़ी में बैठे होते हैं, तो ये जो बाहर का शोर है ना, आपको आ नहीं रहा होता है, आपकी सीट मसाज कर रही होती है, आपकी सीटेड वेंटिलेटेड आपको कूलिंग या हॉट फीचर दे रही होती है, आपके पास बेस्ट ऑफ द बेस्ट साउंड सिस्टम होता है, बर्माइस्टर ऑडियो है जैसे मर्सिडीज में, और अगर शोर सुनना है तो ये हाल होता है। अगर आप ये फ़र्क होता है क्योंकि यहाँ पे एकॉस्टिक फिल्म्स लगी होती हैं जो साउंड ब्लॉक करती हैं, एकदम से उसको कंट्रोल करती हैं। ये बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो लग्जरी गाड़ी में मिलती हैं आपको, तो इसीलिए फर्क पड़ता है जब इतनी महंगी गाड़ी में हो, चाहे ट्रैफिक हो या ना हो। तो 6 बज गए हैं, फाइनली वापस आ गए हैं, गाड़ी पार्क कर दी है, एंड नाउ इट्स टाइम टू एडिट द व्लॉग, वरना टाइम पे नहीं पहुंचेगा। कई बार लगता है यार थोड़ा और टाइम मिल जाए और थोड़ा और टाइम मिल जाए, बट यूट्यूब प्रोसेसिंग में ना 1 घंटे से ऊपर लग जाता है 4K में, and I don't want you all to watch in less than 4K. 1080p से नीचे तो मत ही देखना, फिर बोलोगे पिक्सेलेटेड दिख रहा है या फिर ब्लर दिख रहा है कुछ है, तो एटलीस्ट 1080p देख लेना, 4K देख लोगे तो बेस्ट है, बिकॉज हम 4K में शूट करते हैं, 4K में उसको एडिट करते हैं, 4K में आपके लिए उसको एक्सपोर्ट करते हैं, तो काफ़ी टाइम लगता है सब करने में। तो इफ़ यू वॉन्ट लाइक द हाइएस्ट क्वालिटी, प्लीज़ वॉच इट इन 4K, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।